भाई प्रोफेशन क्या करते हो आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई। भाई आई एम शॉक्ड भाई। हाँ, पंचर बनाने का पूरा सामान। ये गियर वाली साइकिल है ना ये? हाँ, गियर वाली। बता रहे कि 9 तारीख से चले हुए। आगे भी नेपाल जाने का प्लान है। अभी हम लोग मनाली के हाईवे पे हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से मनाली रह जाता है आपका 60-70 किलोमीटर, तो हमें अप्रोक्सीमेट 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने गाड़ी रोकी। मैं चाहता हूँ मैं मनाली पहुंच के ब्लॉग ओपन करूँ, आपको दिखाऊँ मनाली की क्या भाई वेदर हो रहा है, कि बर्फ पड़ी है। लेकिन गाड़ी रोकने का एक मेन रीजन था, वो मेन रीजन मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हार्ड वर्किंग किसे कहते हैं पूरी। अब आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहे हैं क्या है, बट साइकिल पे आई थॉट कि ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है कोई भाई की। भाई इफ यू डोंट माइंड 2 मिनट ले सकता हूँ आपके? यो गुड नेम यार, आशीष कुमार। आशीष भाई कहाँ से हो आप? कहाँ से भी आप? मैं MP जबलपुर। मनाली जाना यार 1000 किलोमीटर का एम है। अच्छा हाँ, दिल्ली से मनाली, मनाली से फिर नेपाल। साइकिल से? साइकिल से नेपाल। हाँ साइकिल से करोगे सारा? हाँ सब कुछ। हाँ तो कैसे, मतलब क्या कुछ मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? मोटिवेशन है करना ही है। आपने क्या क्या लगा रखा है, पहले मैं आपकी साइकिल में जाना चाहूंगा कि आपने क्या क्या इसमें चीजें लगा रखी हैं, कैसे कैसे आप रुकते हुए आ रहे हो, कहाँ कहाँ रुके, क्या आपका बजट है? दोस्त की साइकिल है। अच्छा, और दोस्तों से ही थोड़ा सामान लिया हुआ है। अरे गजब यार। हाँ सो ये क्या है भाई आगे? ये स्लीपिंग बैग है। अच्छा, टेंट है। अच्छा, और बाकी तो मतलब रुकने का आप अपना टेंट लगाते हो और स्लीपिंग बैग लगाते हो और तब आप ऐसे जाते हो। ये साइकिल का पंप है, पंचर बनाने का सामान। ये आपका ये वाटरप्रूफ के लिए हो गया। हाँ। बाकी बैग में क्या क्या चीज लेके चल रहे हो आप? ये बैग में बस खाना बनाने का थोड़ा। कब निकले थे आप MP से, जबलपुर से? नहीं MP से नहीं, मैं दिल्ली से शुरू किया। अभी दिल्ली से स्टार्ट किया, तो कब निकले थे आप दिल्ली से? दिल्ली से 9 तारीख से शुरू किया। मतलब ये बहुत पैशन चाहिए ये सब करने के लिए। मनाली से आगे क्या है, क्या कहाँ जाना है? मनाली से आगे सिसु तक जाएंगे। अच्छा, उसमें रुके कहाँ कहाँ और कैसे कैसे? आपने अपना टेंट लगा लिया? आपने कैंप लगाया। अच्छा, इससे लगाने के बाद फिर एक दो जगह जैसे किनारे पे वो टपरे वगैरह रहते हैं ना, ढाबा वगैरह, वहाँ पे कैंप लगाया। अब ऐसे ही 3-4 जगह ऐसे कैंप लगाते हुए आया रहा। तो भाई क्या क्या डिफिकल्टी आई इन, जैसे कल बारिश भी हुई है तो डिफिकल्टी तो आई होंगी काफी? सामान थोड़ा भीग गया था, फिर रास्ते में कवर करने के लिए फिर तिरपाल खरीदा था। अच्छा, 300 रुपये। और ये इसमें क्या है भाई आपका? हाँ, पंचर बनाने का पूरा सामान। ये गियर वाली साइकिल है ना ये? हाँ, गियर वाली। तो कुछ अभी कोई दिक्कत है इस साइकिल से इस जर्नी में? प्लान है आप मनाली जाओगे, मनाली से थोड़ा आगे भी जाओगे, फिर रिटर्न आप साइकिल से ही कहाँ कहाँ जाने का है? नेपाल जाने का। तो नेपाल भी पूरा करके आओगे आप? हाँ, नेपाल। सॉरी टू से बट ये जो चीज आप कर रहे हो ना यार, बहुत इसके लिए पैशन चाहिए, बहुत गट चाहिए। ठीक है, हम लोग गाड़ी में थक जाते हैं, दिल्ली से हम भी चले बट हम गाड़ी में थक गए। हालांकि हम एक दिन में कवर कर रहे हैं बट हम गाड़ी से थक गए। आपको मैंने देखा आप वहां से साइकिल लेकर आ रहे हो, चढ़ नहीं रही हो ऊपर, क्योंकि बहुत हाई माउंटेन्स है, सब कुछ है, चल रही है और थोड़ी चढ़ान भी है। तो कहां से आई मोटिवेशन, क्या सोचा? मतलब बहुत समय से सोचा था कि करना है। अच्छा, लेकिन इतना समय नहीं मिल पा रहा था जॉब की वजह से। बाय प्रोफेशन क्या करते हो आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई। भाई आई एम शॉक भाई। शॉक ना कि भाई अगर आपने फिर मतलब कितने आप जैसा आपने बताया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपने कितने दिन की छुट्टी ली और आपको कैसे कैसे कहा? अभी तो सिर्फ 15 दिन की छुट्टी ली है। एक होता है कोई सेटल नहीं होता, वो अपने उसके लिए करता है, पैशन के लिए करता है या पैसों के लिए करता है। आप वेल सेटल्ड हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी डिटर्मिनेशन है कि आप चाहते तो बस से अपनी कोई बाइक से कैसे भी आ सकते थे, बट ये जो चीज आप कर रहे हो। और भाई ये चार्जिंग कैसे करते हो? अभी चार्जिंग के लिए पावर बैंक है। अच्छा, और सो पावर बैंक कहीं रुक के चार्ज? अच्छा, पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं उसी से मोबाइल चार्ज। अच्छा, तो रात को ट्रेवल करते हो आप या रात के? नहीं करते, रात को नहीं करते, 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। आज कहाँ से चले थे आप? आज तो मैं 20 किलोमीटर हो गया नीचे। मतलब पर डे का कुछ ऐसा है कि कितने किलोमीटर मुझे कवर करना है? ऐसा पर डे का 100 किलोमीटर कवर करने का होता है। अच्छा, लेकिन चढ़ाई बहुत है तो थोड़ा कम हो जाता है, 40 किलोमीटर है कभी। तो मनाली तो आज पहुंचोगे या कल? शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम तक पहुंच जाओगे? और मैं आपको बता दूं यहां से मनाली रह जाता है अप्रोक्सीमेटली 85 या 80 है, तो 80 किलोमीटर भाई पहुंचेंगे। अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 11 बज रहे होंगे, ठीक है, और 11 बजे से आप शाम हो जाएगी आपको पहुँचते हुए। तो भाई खाने खुने का कैसे अरेंजमेंट होता है?
खाने का अपना कुछ सामान लिया हुआ है। अच्छा, वो अपन बना लेते हैं। सेल्फ कुकिंग करते हो? हाँ। इसमें सेल्फ कुकिंग का भी ऑप्शन है? हाँ। कैसे, मतलब अंदर सब कुछ सामान रखा है आपने? छोटा वाला। अरे वाह यार, इसे कहते हैं बजट ट्रेवलिंग यार, डिटर्मिनेशन पैशन इसे कहते हैं। क्यों भाई, है ना, ये चीज है हमारी तो ये खड़ी है और हम तब भी सोच रहे हैं इसमें है। जो हमारी एक दिन में हालत खराब हुई, बता रहे कि 9 तारीख से चले हुए, आगे भी नेपाल जाने का प्लान है। कोई आपका चैनल वगैरह भी है कोई ऐसा कुछ? आप नहीं, अभी चैनल तो नहीं। कोई इंस्टाग्राम आईडी, सोशल अकाउंट है जहाँ आप अपडेट देते हो? नहीं अभी कुछ नहीं देता। अच्छा, इसके बाद फिर सो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा एक हफ्ते का, लाइक आपको अगर आपसे पूछा जाए, जैसे फर्स्ट आप कर रहे हो? एक्सपीरियंस तो इतना बढ़िया है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, घर वाले भी नहीं टोकते। अच्छा, अपन अपना आराम से जहाँ मर्जी आए वहीं कैंप। तो फैमिली के क्वेश्चन तो आए होंगे भाई जब आप निकल रहे होंगे घर से कि यार ये साइकिल पे जा रहे हो, इतना लगेज लेके इतनी दूर जाना है, मंजिल बहुत दूर है, कैसे कर पाओगे? घर पे किसी को नहीं बताया। नहीं बताया तो मतलब क्या बोल कर आए घर पे यार? घर वाले को फिर जाने नहीं देते, घर वाले मना कर देते हैं। तो ये बताओगे जाके कि मैंने ये अचीव किया है, ये मैंने करा है? हाँ, जब कर लूंगा फिर बताऊंगा। मतलब ये इसे कहते हैं कि भाई किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, अपने खुद के पैशन के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए ये सब करना है यार। हैट्स ऑफ टू यू भाई, सैल्यूट है आपको। सोशल मीडिया है? हाँ। ना भाई ने अपने किसी डिपार्टमेंट को बताया, किसी को नहीं बताया, छुट्टी ली और सोलो निकल गए। मैं आपको बस एक बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा पहले तो, कि आप जो कर रहे हो ऐसे। मैं एक दो लोगों से और मिला था, केदारनाथ में मिला था, वो भी साइकिल से केदारनाथ उन्होंने कम्प्लीट किया, आगे भी जा रहे थे। आजकल का जो यूथ है वो कुछ अलग ही लेवल पे खेल रहा है। लोग क्या होते हैं कि लिफ्ट ले लेते हैं, लिफ्ट ले लेते हैं, साइकिल में भी कई लोग हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे। नहीं आप चाहते हैं बस से आ जाते हैं, कोई टैक्सी से आ जाते हैं, कुछ भी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाई बता रहे हैं। ग्रेट यार, ग्रेट मैन, मतलब काफी अच्छा कर रहे हो। कोई एक सोशल मैसेज देना चाहते हो किसी, जो आपको लोग देख रहे हैं उन लोगों को कुछ कहना चाहते हो? घर से बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, जब चलोगे रोड में तो नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है तो लाइफ में बहुत काम आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, जैसे आपसे मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। प्लेजर टू मीट यू यार, प्लेजर टू मीट यू भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे लोग और निकल कर आए और आप जिस जर्नी पे निकले हो ये आपकी सफल हो यार। थैंक यू, हमारी हिस्से में जो खुशी हो आपके हिस्से में आ जाए।